Hello, my dear friends and scholars. Once again, welcome back to all of you to your own channel, Anand Law Academy. Friends, ये UGC NET JRF के regarding में एक notification है. जी हाँ, जो लोग UGC NET JRF law subject से देने जा रहे हैं, उनका city intimation slip आ चुका है. जी हाँ, admit card जारी होने से पहले, जैसा कि आप official website पर देख सकते हैं, 10 अक्टूबर को city intimation slip UGC NET द्वारा जारी कर दिया जा चुका है. इसमें जब आप इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप ये पाएंगे, 14 अक्टूबर को आपको यूजीसी नेट लॉ सब्जेक्ट से होना है, जिसका सब्जेक्ट कोड 58 है, सेकंड शिफ्ट में ये प्रोग्राम है. तो 14 तारीख के लॉ सब्जेक्ट्स को लेकर के आपका सिटी इंटीमेशन जारी कर दिया गया कि किस शहर में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा. जी हाँ, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 3 या 4 सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है एज अ सेंटर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप अपने इसी वेबसाइट पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप फेज 2. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से विंडो मिलेगी. इसमें आपको एक एप्लीकेशन नंबर अपना, जो कि आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया होगा, प्लस अपनी डेट ऑफ बर्थ एंड उसके साथ अपना सिक्योरिटी पिन जो कि आपका नीचे शो कर रहा है, इसको डाल करके आप अपना क्या देख सकते हैं, एक तरीके से अपना सिटी इंटीमेशन कि आपका किस शहर में एग्जाम होने वाला है, ये आप देख सकते हैं. होप सो जितने भी लोग यूजीसी नेट दे रहे होंगे उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया है. ऑनवर्ड्स इस साइकिल के बाद आपके अपने लॉ एकेडमी पर भी यूजीसी नेट को लेकर के क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी, जिसमें आपको ना कि पेपर 2 केवल बल्कि पेपर 1 को लेकर के भी क्लासेस एक स्मूथ वे में और कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वे में कंडक्ट किया जाएगा, जिससे आप आने वाले यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम्स को अच्छे से कंडक्ट कर पाएंगे और क्वालिफाई कर पाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. मस्ट शेयर एंड सब्सक्राइब.